रुड़की के पिरान कलियर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने आधा दर्जन लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से पुलिस को 3500 की नकदी के साथ साथ दो लूटी गई बाइकें भी बरामद हुई हैं। पकड़े गए लुटेरे आसपास के इलाके में सुनसान स्थान पर मौका पाकर लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। इन बदमाशों से क्षेत्र में दहशत का माहौल था। पुलिस के लिए ये बदमाश चुनौती साबित हो रहे थे। पुलिस कई दिनों से इन बदमाशों की तलाश में जुटी हुई थी। सभी बदमाश सहारनपुर जिले के रहने वाले हैं। लुटेरे इससे पहले भी यूपी और उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में लूट की कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल पुलिस इन लुटेरों का आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी हुई है। पकड़े गए बदमाशों से पुलिस को आशंका है कि लूट और चोरी की और भी ज्यादा घटनाओं का खुलासा हो सकता है। एक नहर पट्टी किनारे पर एक व्यक्ति को 6 लोगों ने लूट लिया था, जिसमें 3500 रुपये उसकी जेब से मिले थे। वो सब्जी का व्यापार करता था, इस वजह से सब्जी बेचकर वापस आ रहा था। तो उसने उनकी मोटरसाइकिल का कुछ नंबर भी आधा नंबर नोट कर लिया था, जिसके आधार पर पुलिस ने जब तलाश किया तो काफ़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने कल इनको 6 के 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें से 2 लोग तो सिपुल में नौकरी करते हैं, फैक्ट्रियों में। उन्हीं लोगों ने 4 अन्य लोगों को, अपने साथियों को चौंदा हेड़ी सहारनपुर से बुलवाया था और इस घटना को अंजाम दिया। पहले भी इनके द्वारा पहले जो घटनाएं की गई थी, उन घटनाओं की 2 मोटरसाइकिलें लूटी हुई, 2 मोटरसाइकिलें भी पुलिस ने बरामद की हैं और बाकी इनका और आपराधिक इतिहास देखा जाएगा। लाइव उत्तराखंड के लिए रुड़की से संदीप चौधरी की रिपोर्ट।